मंजला युक्त जयंत नार्लिकर ने शनिवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन 500 बेडेड सुपर स्पेशलिस्ट बाल संस्थान का निरीक्षण किया और निर्देश दिया कि 300 बेडेड कोविड अस्पताल के लिए अवशेष बचे कार्यों को तत्काल पूर्ण कर लिया जाए, जिससे शीघ्र बाल संस्थान में डेलीग्रेटेड कोविड अस्पताल का संचालन आरम्भ किया जा सके। मंजलायुक्त ने बाल संस्थान के प्रत्येक तल पर निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने प्रधानाचार्य एवं अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए अस्पताल संचालन हेतु आवश्यक संसाधनों के संबंध में जानकारी हासिल की। मंजलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यह कोविड के लेवल 3 चिकित्सालय होगा, जिसमें 100 आईसीयू बेड तथा 200 ऑक्सीजन युक्त बेड होंगे तथा अस्पताल में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजय पांडियन, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तु, प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार, डॉक्टर महिम मित्तल तथा कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, और वो सर अभी एक आध दो बार और इसमें भी लगा रहे सर, उससे वैक्यूम वाले से ड्राई पूछा से काम चलाएं कुछ जन सौ बेड की कोविड फैसिलिटी का हम लोग शुभारंभ कराने का प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से इसे हम अति शीघ्र कर पाएंगे।
कब तक होना अभी हम लोग ने टाइम फिक्स नहीं किया है, बट निर्देश ये हैं कि इसको अतिशीघ्र किया जाए।